जब मैं आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किया था मैं, तो उस समय जब पहली मीटिंग में गया ना, तो मैंने जो चीफ स्पीकर आए थे तो बोले कि मैं तो 3 साल से सीख रहा हूं। मैंने सोचा यार आप सीख रहे हो तो मेरे को क्या सीखना है, जो खुद सीखता है तो मुझे क्या सिखाएगा। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आया। जब 2 2.5 3 साल हो गया, जब मैं रॉयल्टी पे आया, तो मेरे ग्रेट अपलायन ग्रेट मेंटर अनिंदो मिश्रा जी की प्रोग्राम हुई, तो वो भी आके बोलते मैं सीख रहा हूँ। तो मीटिंग के बाद मैंने पूछा कि सर आप क्या सीख रहे हैं, बोले मैं अभी पर्ल पे हूँ पंकज जी, मुझे 50,000 आता है, मेरे अपलायन एनएच खान साहब है, एनएच खान साहब को 1 लाख रुपया आता है, तो 1 लाख रुपया आता है इसलिए मैं सीख रहा हूँ। फिर कुछ दिन के बाद मैं खान साहब के मीटिंग में गया, तो खान साहब भी स्टेज पे आए तो बोलते हैं मैं सीख रहा हूँ। बड़ा गजब लगा यार, खान साहब भी सीख रहे हैं। तो खान साहब से मैंने बात किया कि सर आप सीख रहे हैं, बोले हाँ मेरा अपलायन अवधेश कुमार जी है, वो महीने के 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, तो मैं सीख रहा हूँ। फिर संजोग से अवधेश कुमार जी की मीटिंग में जाने का मौका मिला, तो अवधेश कुमार जी जब स्टेज पर, तो भी बोले मैं इतने दिन से सीख रहा हूँ। तो फिर मीटिंग के बाद मैंने अवधेश सर से पूछा कि सर आप भी सीख रहे हैं, बोले हाँ मैं भी सीख रहा हूँ। बोले क्यों, तो मेरा सीनियर जो है सो विजय बिरोधिया जी हैं, और वो जो है सो महीने के 4 लाख रुपया कमाते हैं, इसीलिए मैं सीख रहा हूँ। गजब बात है। फिर विजय सर की मीटिंग में जब जाने का मौका मिला, तो विजय सर भी बोलते मैं भी सीख रहा हूँ। अरे ये क्या बात है भाई, बोले आप क्या सीख रहे हैं, बोले कि मेरे सीनियर राकेश शर्मा सर है, राकेश शर्मा सर महीने के 10 लाख रुपया उठाते हैं, तो मुझे 10 लाख कमाना है तो सीखना पड़ेगा। बोले गजब की बात है, हम राकेश शर्मा सर के मीटिंग में जाना चाहिए। जब राकेश शर्मा सर के मीटिंग में जब मैं गया था हरियाणा पानीपत, राकेश शर्मा जी की मीटिंग के बारे में पता किया, कहाँ उनका मीटिंग होता है भाई, कौन है राकेश शर्मा, तो मैं रॉयल्टी लेवल पर उस समय में था, मैं और कल्याणी दोनों आदमी गए, चले गए जिंद राकेश शर्मा जी की मीटिंग में। जब पूरी इंतजार खत्म हुई, राकेश शर्मा जी स्टेज पर आए, तो वो बोले कि मैं भी सीख रहा हूँ। बड़ा गजब लगा, इतना दूर से फालतू आए। झारखंड से मैं यात्रा करके 2 दिन की ट्रेन में सफर करके जिसके पास आया, वो भी बोलते हैं मैं सीख रहा हूँ। पूरी मीटिंग सीखने सुनने के बाद सर से मैं ऑटोग्राफ लिया, फोटो लिया, और सर को पूछा कि सर आप क्या सीख रहे हैं, तो बोले यार मेरा अपलायन सुरेंद्र बस साहब है, महीने के 15 लाख रुपया कमाते हैं, मैं सीख रहा हूँ। हम बोले तब तो सुरेंद्र बस के पास जाना चाहिए। फिर मैं सुरेंद्र बस साहब की मीटिंग को सुनने के लिए मैं दिल्ली गया, और जब दिल्ली गया तो वो भी बोलते हैं मैं सीख रहा हूँ। जब हाल है, फिर मुकेश सर से बस साहब से पूछे सर आप क्या सीख रहे हैं, बोले मेरे अपलायन तो मुकेश कोठारी सर हैं, और मुकेश कोठारी जी इस सिस्टम के पहला करोड़पति बने हैं, और मुझे भी करोड़पति बनना है, तो मैं सीख रहा हूँ। फिर मुकेश सर के पास गए, तो वो बोले कि मैं भी सीख रहा हूँ। भाई आप क्या सीख रहे हैं, तो बोले कि मेरे सीनियर केसी छाबड़ा सर है, और केसी छाबड़ा सर महीने कितना रुपया कमाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, समझने से नहीं होगा। अब 23 साल हो गई आरपीएम की, अब क्या समझना, अब समझना नहीं है, सीखना है। और जो मैंने सीखा है आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और सीखने के लिए क्या है, कहा गया है यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो कोई शराबी शराब पी के गट्टर में गिरा हुआ है, तो उससे भी हम सीख सकते हैं कि भाई इतना शराब मत पीना जो गट्टर में गिरना पड़े। आज अभी सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके शहर के जो बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी है, उसके प्रिंसिपल भी आपको कुछ नहीं सिखा सकते। सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो मैंने जो कुछ सीखा है वो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाले हैं। तो सारे बहनों को सारे भाई को मेरा प्रणाम, और जितने भी हमारे बीच में अपराजिता बहन हैं, आप सबको मेरी सैल्यूट है, क्योंकि आप सब वो हैं कि जो एक नारी में पाई जाती है। नारी को कहा गया है कि दुर्गा है, सरस्वती है, आप काली हैं, सारे अवतार आपके रूप में हैं, और सबको एक निगाह से आप देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कल आप सबकी सेलिब्रेशन हुई, आप सबकी बहुत बहुत बधाई। और सेलिब्रेशन के बाद मैं गुरुदेव बीसी सर को फोन किया, बीसी सर को पूछा कि सर गजब का प्रोग्राम रहा, शानदार प्रोग्राम रहा। बोले पंकज इसलिए है कि यहाँ महिला है, ये एकजुट है, एकता में ताकत होती है। और वाकई आप सबों ने कुछ ही दिन में कमाल कर दिया। ऐसे ऐसे महिला का कल सेलिब्रेशन देखा कि जिनको मैं जानता ही नहीं था, लगभग हिंदुस्तान के हर शहर में जाके मीटिंग किया, उनको कभी देखा भी नहीं, आज यू इतनी बड़ी नेशनल मंच पे आज ये लोग आ गई हैं। तो ये जो आज इकोनॉमिक टाइम्स में जो एक आंकड़ा आया था कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में महिलाओं की राज होगी, तो
वो साफ साफ मुझे दिखने लगा है। आप सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जितनी भी बहन हमारे वाइटर लेवल पे हैं, आप रॉयल्टी लेवल पे हैं, आप बिल्कुल नए टेक्निकल पे आए हैं, बस आप सब ये टारगेट बनाइए कि जल्दी से जल्दी अपराजिता ग्रुप में आप शामिल हो। पहला टारगेट बना ले आप कि हम भी इस ग्रुप में शामिल हो, क्योंकि इस ग्रुप में आने का मतलब होता है कि आप नेशनल लेवल पे आ जाते हैं। जब नेशनल लेवल पे आ जाएंगे ना, तो फिर जीत से आपको कोई दुनिया ताकत रोक नहीं सकता। कहा गया है कि जिसका नाम है उसी के पास सब कुछ है। नाम बनाने का आपका काम है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग हैं, प्लान तो आप सब जानते ही हैं, और मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं आरसीएम क्या चीज है। सिंपल सी बात को समझ लीजिए आप, जहां से हम पहले से खरीदारी कर रहे हैं उसमें जिसका नाम है वो उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है, जिसका नाम है वो विज्ञापन करता है। आप किसी मिठाई दुकान का प्रचार करिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप किसी कपड़े दुकान का प्रचार करिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप किसी डॉक्टर का प्रचार करिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिसका नाम है वो आपके मोबाइल में आके जुआ खेलने के लिए आपको प्रेरित करता है, वो जुआ खेलवाने वाला कंपनी उसको पैसा देता है। किसको देता है? जिसका नाम है। आज इस अभियान में, आरसीएम रूपी अभियान में, हमारा और आपका काम है इस अभियान का प्रचार करना। इस अभियान का जितना ज्यादा आप प्रचार करेंगे उतना ही बड़ा आपका नाम होगा। प्रचार कब करेंगे? जब आप कुछ गोल बना के काम करेंगे, जब आपका टारगेट होगा। इसी को लेके मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं, तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे बात को सुनने के लिए? एक बार हैंड यस राइज करके बताइए कितने लोग तैयार हैं मेरी बात को सुनने के लिए। जय यस सर, यस जय सर, यस जय सर, थैंक यू हम थैंक यू थैंक यू, तैयार हैं, रेडी, रेडी, यस थैंक यू। तो मैं एक चीज हम आप और लोगों को तैयार हैं कहना सर, चाहता हूं कि ये यस सर, नाम नाम वाली बात उठ गई, तो जब तक मैं अपनी पीपीटी शेयर करूं, तब तक जिनको लगता है कि यस आई एम लीडर, जिसको लगता है कि मैं आरसीएम का सेवक हूं, नए भारत का निर्माण करना चाहता हूं, तो एक कॉल आप अपने नेटवर्क में कर लीजिए। ये अपनी परीक्षा होता है डेली। जब आप जूम में बैठे, आप पार्टिसिपेंट में जाइए और देखिए कि आपका कौन सा साथी नहीं मीटिंग में आया है। कम से कम एक साथी को यदि आप जोड़ लेते हैं, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। आपके फोन कॉल से एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा एक दो मिनट के अंदर, तो समझिए थोड़ी सी भी संघर्ष करने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा भी रिलेशन बनाने की जरूरत है टीम में। आप ये देखिए, अपने आप को चेक करिए, क्योंकि यहां पर कोई आपका गुरु नहीं है, कोई आपका मास्टर नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं है, आप खुद अपने सिस्टम के मालिक हैं। आपके कॉल से एक व्यक्ति यदि जुड़ जाता है तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। यदि अभी आप मेरे को बोलिए तो मैं एक मिनट में, दो मिनट में दो तीन व्यक्ति को जोड़ सकता हूं। इसीलिए मैं राइजिंग स्टार रूबी, आपको भी राइजिंग स्टार रूबी बनना है, तो आप ये देखिए कि एक डेढ़ मिनट में जो पीपीटी शेयर हो रही है, उतना देर में हम एक आदमी को जोड़ लिए क्या? यदि जोड़ लिए तो अपने से चुटके से वीडियो ऑफ करके थपथपा लीजिए, यस आई कैन डू इट, मैं तो आज जीत गया। मैं जिस घर में जन्म लिया पला, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मधुबनी का। मेरे पिताजी एक छोटा सा किसान, एक प्राइवेट नौकरी करते थे। जब मैं पढ़ाई लिखाई करते थे तो मैं अपने पिताजी को जुबान से सुनता था, इतना ही पांव पसारो जितना बड़ा कंबल हो, ज्यादा आसमान की तरफ देख के चलोगे तो ठेस लग जाएगा, गिर जाओगे, ये गरीब का सोच है। जैसा वो सोचते थे वैसा ही मेरे साथ होता था। लेकिन जब हम आरसीएम रूपी सिस्टम में आए और मैं पीसी सर को सुना, बीसी सर के संगत में रहा, केसी सर के संगत में रहा, मुकेश कोठारी सर के संगत में रहा, बस साहब के संगत में रहा, तो ये एक चीज बोले कि तुमको जितना पांव पसारना है पसारो, चादर ऊपर वाला देने के लिए तैयार है। बस सोच को बड़ा करो, थिंक्स, बड़ी सोच। जितना बड़ा आपका सोच होगा उतना ही बड़ा आपका उतना ही काम आपका आसान। तो सोच को बड़ा कर लीजिए आप लोग। आज जैसे कि जानते हैं आप लोग कि आरसीएम का 23 वर्ष हो गया। जिस समय हम सब आरसीएम को, आज से लगभग 17 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी आरसीएम में, तो सिर्फ एक कपड़ा, पेंट का कपड़ा होता था। और पेंट का कपड़ा जब होता था तो मेरे कुछ नहीं होता था आरसीएम में, सिर्फ एक पेंट का कपड़ा होता था। तो उस समय का जो प्लान था ना, वो 1 GB प्लान था, 1G प्लान था, 1G प्लान। 1G क्या होता था कि जब हम आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले जब हमारे गांव में टेलीफोन बूथ होती थी, पूरे गांव में एक बूथ होती थी, तो मुझे वो दिन याद है कि जब हम किसी को फोन करने के लिए जाते थे तो फोन में एक ही बात बोलता था, इस लाइन की सभी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया कुछ देर के बाद करें।
और एक नंबर पे आप पूरे दिन लगे होते थे तब भी बात नहीं हो पाता। तो वो 1G में हम लोग काम किए थे, फिर समय बदला 2G, 3G, 4G, 5G, अभी जो हमारे RCM में अभियान में जो प्लान चल रहा है उस प्लान का मैं नाम दिया हूं 6G प्लान। ये 6G प्लान है। जैसे आज मेरे हाथ में ये एंड्रॉयड फोन है, जब एंड्रॉयड फोन आई इससे पहले मेरे पास झुनझुनिया फोन होता था, छोटा वाला झुनझुनिया। अब झुनझुनिया जो फोन होता था उसमें क्या होता था, कॉल करना, कॉल को रिसीव करना, दो काम होता था, तो बड़ी आसान होता था। जब इस सिस्टम बाजार में आया तो मैंने जब इसको लिया तो कभी कभी कॉल आता था तो रिसीव नहीं करने आता, कॉल कभी करने भी नहीं आता था। कभी कभी लोग कॉल कर लिए, स्क्रीन आउट हो गया, आप स्क्रीन पे कैसे कॉल काटेंगे पता ही नहीं चलता था। तो मुझे लगता था ये फालतू चीज है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं गलत हूं ये सही है, लेकिन मुझे ये लगता था ये सिस्टम ही गलत है। ऐसा ही आज के डेट में RCM बिजनेस में 6G प्लान चल रहा है। और 6G प्लान क्या है, यहां पर पैसे की बारिश चल रही है। दुनिया की कोई भी काम करें आप तो साल में एक बार बोनस मिलती है, यहां पे हर महीने बोनस मिलती है, और इसका नाम मैं दिया हूं पैसे की बारिश। लेकिन अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पैसे की बारिश तो हो रही है लेकिन छाता लेके घूम रहे हैं। यदि छाता लेके आप घूमेंगे तो इस पैसे की बारिश का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप छाता को हटाइए, छाता को हटाइए, यानी जूम की मीटिंग अभी 1 बजे रात में, 1 बजे दिन में हो रही है। आप जितनी भी बहनें हैं अभी आपको कम से कम अपने घर से निकलना चाहिए, आपको डेली अपने डायरी में एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कल की मीटिंग जिनका भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल की मीटिंग जहां पे मेरी छोटी सी ग्रुप है 3-4 लोगों को जोड़ के हम अपने साथ अपनी टीम को लेके मीटिंग में बैठे। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये मीटिंग से बिजनेस चलती है, ये थर्ड पार्टी चलाता है इस बिजनेस को, आपके चलने से नहीं चलेगा। आपके चलाने से साइकिल चलता है, लेकिन यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप जितना भी दौड़ लीजिए, जितना ड्राइवर चलाना चाहेगा उतना ही चलेगा। तो इस बिजनेस में आपको अपलाइन की मदद लेना पड़ेगा, सिस्टम की मदद लेना पड़ेगा। यदि अपलाइन की मदद नहीं ले रहे हैं, सिस्टम की मदद लेने नहीं ले रहे हैं, और यदि अपने लाइफलाइन की मदद आप नहीं ले रहे हैं तो ये बारिश का आनंद आपको नहीं ले पाएंगे। तो यहां करना क्या चाहिए हमें, हमें करना चाहिए सिस्टम का सपोर्ट लेना चाहिए। ये जो चैनल, ये 1 PM जय RCM जो चलती है, ये आप महिलाओं के लिए, उन भाइयों के लिए जिनके पास समय की कमी है। आप अपनी डायरी पर शेड्यूल बनाइए 30 दिन, ये 300 दिन प्रोग्राम चलती है। कोई पर्व हो, त्योहार हो, संडे हो, मंडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपराजिता ग्रुप इतना कमिटेड है, कुछ भी हो प्रोग्राम चलेगा। आप अपनी डायरी में शेड्यूल बना लीजिए कि हम कल किन के साथ, कुछ टीम के साथ बैठेंगे, परसों किन टीम के साथ बैठे। आज आप अकेले बैठ के मीटिंग देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 365 दिन मीटिंग देख लीजिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये संख्या का खेल है, जिसके पास जितना बड़ा संख्या होगा, जिसके पास जितना बड़ा संख्या खरीदारी करेगा, जिसके संख्या जितना ज्यादा जूम के मीटिंग में बैठेगा, सेमिनार में बैठेगा, वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तो पैसे की बारिश की आनंद लेना है तो घर को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। कहा जाता है घर के मिट्टी सिर्फ रोटी दे सकती है, समृद्धि नहीं दे सकती। समृद्धि पाना है तो घर के मिट्टी को हमें छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सबसे पैसे वाले मारवाड़ी और गुजराती होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि मारवाड़ी और गुजराती, मारवाड़ी के बारे में कहावत है, जहां पर ना जाए बैलगाड़ी वहां पे चला जाता है मारवाड़ी, इसीलिए मारवाड़ी नंबर 1 है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम घर नहीं छोड़ना चाहते। हम बहाना हमारे पास है, सर बच्चा स्कूल से आया है, सर बच्चा खाना खिलाना है, सर मेरे हस्बैंड, ये बहाना है। RCM में नहीं काम करने का 100 बहाना आपके पास हो सकता है, लेकिन RCM करने का एक बहाना अपने जीवन में ढूंढिए, सारे बहाने आपका ऑटोमेटिक निकल के चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये बोनस है, जो आप काम करते हैं उसका तो आपको पारिश्रमिक मिलती ही मिलती है, हर महीना ये बोनस होता है। देखिए मैं बोनस एक चीज बताना चाहता हूँ, ये ओपनर लेवल का बोनस, जब हमारी बिजनेस 70,000 के लगभग होने लगती है, जब हम गलती करना शुरू करते हैं, हम बिगनर बनते हैं, थोड़ी सी और गलती करते हैं तो मैं स्टार्टर बन जाते हैं, और जब ओपनर के लेवल पे आते हैं तो आपके कंधे पे थोड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, पूरी कंपनी की जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है। और यहाँ पे आप जिस समय 6G प्लान लॉन्च हुआ था तो 1 पॉइंट का कीमत होता था 392 रुपये, जबकि पिछले से पिछले महीना के जो बोनस पॉइंट गया वो गया 1524 रुपये।
आज स्टार रूबी के लेवल पे हूँ, पैसा खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो वो जो पैसा जो बचता है उस पैसा को हम मार्केट में लगाते हैं। और जब मार्केट में लगाते हैं तो इतना ग्रोथ 5 महीना में वो हमारा पैसा नहीं होता है, 5 महीना में 10% 12% 8% का ग्रोथ आता है, कभी कभी तो लॉस हो जाती है। लेकिन यहां पर देखिए ये पैसे की बारिश है। यदि हम ईगल लेवल का देखें तो ये ईगल लेवल का आता है, ये रनर लेवल का ग्रोथ है, ये बोनस देखिए विनर का बोनस है, ये मतलब जितना आपकी कमीशन है उससे ज्यादा। जो फिगर आपको देख रहे हैं वो तो महीना में मिल रहा है, लेकिन जितना महीना में मिल रहा है लमसम इतना ही पैसा ईयरली के लिए जमा भी हो रहा है। 12 महीने के बाद एक मोटी रकम आपके अकाउंट में आएगा, आप किस लेवल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लेवल हो सकता है कि आप गोल्ड हो सकता है कि आप पर्ल हो, लेकिन फरवरी के पिछले फरवरी में जो आपका लेवल था वही आपका पैसे का बोनस लेने का आपका टारगेट मंथ था। आज भी आप चेक करिए, कैलेंडर बदलने वाली है, साल बदलने वाली है हमारी, मात्र फरवरी से मार्च हो जाएंगे हम, 1 साल हो गया। 1 साल पहले जो आपका बिजनेस था वही बिजनेस आपका टारगेट है। एक बार अपने अपने साइड में चेक करिए, नहीं पता है तो अपने रॉयल्टी अपने टेक्निकल से मदद लीजिए और इस पैसे की आनंद लीजिए। ये स्टार का है और ये रॉयल्टी का है, ये रॉयल्टी लेवल का, ये पैसे की बारिश हो रही है और इसका खूब आनंद लीजिए। कैसे ग्रोथ हो रहा हो देख लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक से एक काम करना होगा, डायरी में शेड्यूल बना के काम करिए। आप 4 दिन पहले कहाँ काम किए आपको पता है? डायरी में कहीं लिखा हुआ है? किसके साथ काम किए? कहीं पर डाटा है आपके पास? आज से 15 दिन पहले कहाँ काम किए, किससे बात किए आप, किस क्या बात किए आप, उसका कोई डाटा आपके पास है? आपके टीम में कितने लोग कंसिस्टेंसी में, आपके पास कोई डाटा है क्या? कहा गया है बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोल सकता। आज आप क्या करने वाले हैं, आज क्या करेंगे, आज कितने लोग मीटिंग में बैठाएंगे, आज कितनी पीबी हम बढ़ाएंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? 6G प्लान है ये। 6G प्लान के लिए हमें ये सब काम को छोटा छोटा हमें करना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी सारे साथी हमारे बोनस ले रहे हैं आप सबको सैल्यूट, बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय टीसी सर एक बात बोलते हैं कि अभी आरसीएम बिजनेस में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक कैटेगरी है जिनको आरसीएम चला रही है और दूसरे एक कैटेगरी के लोग हैं जिन जो आरसीएम को चला रहे हैं। जो आरसीएम को चला रहे हैं वो 2030 में इस बिजनेस के करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन जिनको आरसीएम चला रहा है वो पता नहीं 2024 में सिस्टम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 26 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है 3 8 मार्च को, 8 मार्च को दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में पहली कार्यक्रम होने जा रही है आप महिलाओं के साथ। वर्ल्ड वुमेन डे के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट आप महिलाओं के साथ, 30,000 महिलाओं के साथ बैठने वाला। और आपको जहां तक पता है सरकार लेता है, सरकार देता नहीं है। जिस दिन ये सरकार को पता चल गया कि आप घर में बैठ के अपने मोहल्ले में बैठ के इस बिजनेस को करके महीने के 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 5,000 10 लाख 20 20 लाख रुपया कमाते हैं, तो सरकार कुछ ना कुछ कानून को शिकंजा टाइट करेगा। आज किसी को आरसीएम में लाने के लिए आप केवाईसी कर लो, 2,000 का सामान खरीद लो, आ गए आरसीएम। जिस समय नौकरी का प्रथा आई थी तो कोई नौकरी करना चाहता नहीं था, पकड़ पकड़ कर नौकरी दिया जाता था, पांव पकड़ कर नौकरी दिया जाता था। लेकिन जिस दिन सरकार को बात समझ में आया कि नौकरी करने वाला बहुत आनंद लेता है, तो नौकरी में कंडीशन लग गया। पहले इतना पास करो, फिर ये करो, फिर वो करो, आपका ऐसे बोलना होगा, ऐसे पहनना पड़ा, कितना लग गया। जिसका कारण क्या है, लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया घूस देने के लिए तैयार। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत जल्दी 2025 में इसका रूपरेखा बदलने की पूरी आशंका है। इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि 2025 तक आप इस बिजनेस के चलाने वाला बनिए, आप ड्राइवर बनिए, पसेंजर मत बन के रहिए। आप ड्राइवर बनेंगे आपका नाम होगा। तो जो भी साथी इस बोनस में है, यानी आप आरसीएम को चलाने वाले हैं, जो बोनस नहीं ले रहे हैं आपको आरसीएम चला रही है, तो आपको कितना दिन तक आरसीएम चलाएगी? इस महीना में लक्ष्य बनाइए, इस महीना में टारगेट लीजिए। साथियों जिस भी लेवल में आप हैं, आप कम से कम हम बोनस में हम आ जाए, ये एक्स्ट्रा पैसा है, कमीशन का अलावा पैसा है ये। जो नया प्लान हमारा चल रहा है 6G प्लान, ये तूफान ला देगा आपके बिजनेस में।
नए प्लान से आपका होगा, जब 6G प्लान को आप सीखते हैं बढ़िया से समझते हैं तो आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, निरंतर हर महीना ग्रोथ होगा आपका बिजनेस। पहले जमाना में ऐसे जब 6G प्लान के पहले हम लोग 4G प्लान पे काम कर रहे थे, उस समय हम लोग क्या करते थे, सितंबर आ रहा है सितंबर को खास बनाना है, मार्च को खास बनाना है। अब सितंबर और मार्च को खास नहीं बनाना है, आज को खास बनाना है, कल को खास बनाना है, फरवरी को खास बनाना है, मार्च को खास बनाना है, हर महीने को खास बनाना है, ये प्लान है। यदि खाना रोज खाना है तो कमाना रोज है, खाना रोज कमाना कभी कभी कैसे हो सकता, तुम तो गरीब हम रह जाएंगे। तो नए प्लान से हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कंसिस्टेंसी हमारे पास अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 6 महीना में जो प्रोडक्ट फ्री मिल रही है उनके जाके आप जानकारी दीजिए, उनके घरों में जाकर के प्रोडक्ट का डेमो करिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, आरसीएम मिशन का जो नया पीपीटी आई है वो पीपीटी दिखाइए उनको, आरसीएम अभियान का वीडियो 6 मिनट का जो वीडियो है वो वीडियो दिखाइए। अभी अभी किरण बेदी जी जो हमारे एनिवर्सरी में स्टेज पर आके बात की है वो दिखाइए अपने डाउनलाइन को। इस मिशन में जुड़ने से नहीं होगा, इस मिशन के प्रोडक्ट यूज करने से होगा। उनको 6 महीने के 6 महीना के कंसिस्टेंसी बताइए, और जो भी साथी आपके ग्रुप में कंसिस्टेंसी में आते हैं उनका रिकॉर्ड रखिए, नहीं तो अभी क्या बहुत तेजी से बिजनेस फ्लैक्चुएशन आपका करेगा। यदि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, मान लीजिए आपके टीम में 20 लोग हैं और 20 लोग कंसिस्टेंसी में 3 लोगों का इस महीना में प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है और आपको नहीं पता, तो पिकअप सेंटर पर जाएगा और नमक तेल हिंग हल्दी मसाला खरीद लेगा, और नमक तेल हिंग हल्दी मसाला खरीद लेगा, आप फिर नया कंसिस्टेंसी में इस महीना में ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि इस महीना की खरीदारी उसको सामान फ्री मिल गया, तो इस महीना में पीवी देगा नहीं तो आपका बिजनेस दम से गिर जाएगा। लेकिन यदि आपके पास डाटा है, आपके पास रिकॉर्ड है कि हमारे टीम में इन 3 लोगों का प्रोडक्ट फ्री आया है, उनको बधाई दीजिए, उनको लेके पिकअप सेंटर पर जाइए और जाने के बाद उनको वो प्रोडक्ट खरीदवाइए जो पैसा की कमी के कारण वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे, उनको बेडशीट खरीदवा दीजिए, उनको न्यूट्रिशन अपनी उनकी पत्नी के लिए न्यूट्रिशन खरीदा दीजिए, कोई बहन है तो उनके पति के लिए न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट खरीदा दीजिए और उनके बच्चे को ले, क्योंकि प्रोडक्ट टेस्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट को जानेगा। तो इससे आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी और लगातार ग्रोथ मोड में रहेगा, रेगुलर परचेजर की संख्या आपके टीम में बढ़ेगा, और दूसरा तीसरा क्या होगा, नेटवर्क बिल्ड होगा। जितना ज्यादा फील्ड में आप रहेंगे उतना ही तेजी से आपके बिजनेस में नेटवर्क होगा। कोई प्लान काम नहीं करता, ना 6G प्लान काम करता है, ना 2G प्लान काम करता है, ना 6G प्लान करता है, उस पर आप काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आए। हमें लगता है कि आप सब बिल्कुल रेडी होंगे इस प्लान के ऊपर काम करने के लिए, और इसके लिए हमें पैसे की बारिश में भींगने के लिए पुराना जो कल्चर से जो हम काम करते थे उस कल्चर को बदल के हमें नया कल्चर डेवलप करना। क्या कल्चर डेवलप करना है आप डायरी पेन पे अब लिख सकते हैं। पहला कल्चर हमको लाना पड़ेगा, कल्चर ऑफ डेली वर्किंग, हार्ड वर्क, डेली वर्क करिए। हार्ड वर्क मतलब क्या समझे, हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत नहीं होता, हार्ड वर्क के मतलब यहां होता है डेली काम करने की आदत लगाए। डेली कैसे काम कर सकते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इस महीना में आपको ओपनर में जाना है, बोनस में आपको एंट्री लेनी है, तो बोनस में एंट्री आपको लेनी है तो 70,000 बिजनेस करना है। आप 40,000 के बिजनेस 6 महीना से कर रहे हैं, हर महीना प्रयास करते हैं 40, 42, 4300 का 70 जाता नहीं है, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गया है 70 तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एक हाथी है, एक हाथी को भगवान इतना ताकत दिया है कि एक पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, एक हाथी को इतना ताकत है कि एक घर को तोड़ सकता है, लेकिन वही हाथी जब पालतू बन जाता है तो हाथी के मालिक एक पतली सी डोरी में उसको बांध के रख देता है, क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। उसी तरीके से आपके नेटवर्क में जो 20,000 का बिजनेस करते हैं 6 महीना से, जो 40,000 का बिजनेस कर रहे हैं 6 महीना से, उनका माइंडसेट हो गया कि मेरा 70 होगा ही नहीं। तो 70 कैसे होगा आप आसानी से उनको सिखाइए, कैसे हो सकता है 70 का आपने गोल बनाइए कि इस महीना में मुझे 70 करना, तो 70 करना है तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा 70 होगा कैसे। इस 70 को क्या करें, उसको हम वीकली में हम पार्ट को तोड़ दें। दशरथ माझी पहाड़ तोड़े, कहानी सुने हैं आप, वीडियो देखे हैं आप, लेकिन दशरथ माझी पहाड़ के बीच में जाके नहीं तोड़े थे, थोड़ा थोड़ा सा तोड़े थे। 40,000 बिजनेस कोई किया है
तो 40,000 तक ये दिमाग एक्सेप्ट करता है कि 40 हो सकता है, तो वहां पर 70,000 को चार पार्ट में बांट दी। 70,000 को चार पार्ट में बांटेंगे तो कितना होगा, लगभग 25,000, 25 वजन होगा 20, हाँ 20,000 का लगभग होगा वीक में। 40,000 का बिजनेस किया है, दिमाग के पास क्या आया, 20,000 करना है सप्ताह में। अब 20,000 को भी छोटा कर दीजिए, उसको डेली टारगेट में 7 से डिवाइड कर दीजिए, डेली वर्किंग। तो 20,000 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, लगभग 3,000 डेली। अब जो 40,000 का बिजनेस जिनका स्टार्टर लेवल पे है, उनकी नेटवर्क में लगभग 30-35-40 लोगों का नेटवर्क होता है। जैसे सामने वालों को यह बात समझ में आएगा कि डेली हमें 3,000 का बिजनेस करना है, 40 लोगों का नेटवर्क है, तो उनका फोन कॉलिंग बढ़ जाएगा, जूम की अटेंडेंस उनकी बढ़ जाएगी, उनकी ग्रुप मीटिंग बढ़ जाएगा, सेमिनार में जाने की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आ गए डेली वर्क, डेली काम। तो इस कल्चर को हमें डेवलप करना होगा। दूसरा कल्चर क्या है, प्रमोटिंग प्रमोशन, जो आपके अपलाइन, जो कंपनी के माध्यम से कोई भी चीज आता है उसको खूब शानदार तरीके से प्रमोशन करिए। प्रमोशन मतलब वाहवा करिए, तारीफ करिए, बहुत अच्छा, गजब का, शानदार, क्षमा जी जैसे प्रमोशन करती है उस तरीके से प्रमोशन करिए। प्रमोशन का मतलब होता है तारीफ करिए। टेलीविजन पे कोई सलमान खान आके बोले कि मैं हल्ला गुटखा खा के बीमार पड़ गया, तो क्या वो गुटखा कंपनी उसको पैसा देगा? वो नहीं भी खाता तब भी उस गुटखा प्रचार करता है। आज जितना भी न्यूज चैनल के जितने भी एंकर लोग हैं, आज आपके मोबाइल में आके वो जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। विराट कोहली जुआ खेलने के, विराट कोहली जुआ खेलता है कि क्रिकेट खेलता है? वो क्या करता है, जुआ को तारीफ करता है, इसीलिए उसको पैसा मिलता है। तो आप भी, आपके टीम के लीडर, आपके कंपनी, अपनी कंपनी के माध्यम से जो भी छोटे छोटे टारगेट्स आते हैं, जैसे अभी हमारा उड़ान आया है, उस उड़ान का प्रमोशन करिए। अभी गामा ओरिजिनल की जगह जगह पे प्रोग्राम चल रही है, उस प्रोग्राम की प्रमोशन करिए। अपने एरिया का जो सेमिनार हो रही है, उस सेमिनार की वाहवाही करिए। आपके एरिया में आपके टेक्निकल अचीवर की मीटिंग हो रही है, उसकी खूब शानदार प्रमोशन करिए, खूब लोगों को खुश होकर बताइए, तब जाके आपका ये कल्चर आपके टीम में डेवलप होगा, तो आपका पैसे की बारिश शुरू हो जाएगी टीम में। कल्चर स्मॉल सक्सेस, छोटे छोटे लोगों को आप सेलिब्रेट करिए, जो आपके ग्रुप में 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी, वीरांगना किशोल में पी क्यूसी, ये सब जो छोटे छोटे कार्यक्रम करे, जो महीने में 5 लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे, जो महीने में 10 लोगों की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप उनके गांव में जाके उसके गांव में 10-20-25 लोगों को आप खुद से इकट्ठा करें, और उस गांव के मुखिया को बुला लीजिए, सरपंच जी को इनवाइट कर लीजिए। देखिए, नेता को बुलाना मुश्किल नहीं है, नेता को चाहिए पब्लिक। यदि आप नेता के पास चले गए, उस गांव के मुखिया जी के पास, और मुखिया जी को बोले कि मैं आपके पंचायत में 40-50 लोगों के इकट्ठा कर रहा हूं, उन मुखिया जी को अपनी मिशन का प्लान बता दीजिए कि हमारा जो अभियान है इस तरीके से काम कर रही है, हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हमारा ये मूल 3 उद्देश्य है। यदि आप मुखिया को बता दें, और इस मिशन में आपके गांव के एक बहन है जो बहुत उम्दे तरीके से काम कर रही है, और उनको चाहते हैं सर आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, आप उनको फूलमाला से सम्मान करें, मुखिया दौड़े दौड़े आ जाए, 25 लोगों का वोट उसके पास दिख जाएगा, और आप वहां पर खड़े होकर के आप जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर आपके हैं उनको फूल माला पहना के सम्मान करिए। वहां पे जो 10 आदमी आते हैं उनको जो आपके 6 महीना के बाद जो सामान फ्री मिल रहा है, ये सामान फ्री बिजनेस पे लगाइए, मिक्सचर, भुजिया, बिस्किट, ऐसा कुछ सामान लेकर के आप छोटी छोटी मीटिंग करके उस गांव में 10-20 लोगों को प्रोडक्ट का टेस्ट करवाइए, प्रोडक्ट का डेमो करिए, अपनी मिशन के वीडियो दिखाइए। तो आपके टीम में क्या होगा, जिनको सेलिब्रेट किए हैं वो ज्वाइनिंग का टारगेट लेगा, वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करेंगे, तो आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ जाएगा। कल्चर ऑफ फोकसिंग रिजल्ट ओरिएंटल, आज जो आप काम कर रहे हैं, आज पूरे दिन में जो काम किए, रात में अपनी बिजनेस को खोल के आप देखिए कि बिजनेस आज मेरा कितना बढ़ा, और ये जो बिजनेस बढ़ा इसमें मेरा कितना रोल है, ये डेली चेक कर लो। यदि एक छोटे से चाय दुकानदार है, तो चाय दुकानदार भी पूरे दिन काम करने के बाद शाम को दुकान बंद करने के समय वो गला मिलाता है, वो कागज पे लिखता है किसने उधार लिया, किसने उधार पैसा दिया, क्या हम इस काम को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पुराना जमाना चला गया, अब नए जमाना में आपको डेली पेपर वर्क करना पड़ेगा, डेली रिजल्ट ओरिएंटल आपको काम करना पड़ेगा। फोकस पॉइंट फॉर फास्ट ग्रोथ, तेजी से यदि आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने अपलाइन से भी तेजी से आगे निकलना चाहते हैं,
मैं अपने आप अपलाइन को सुपर बीट किया था मैंने। कभी भी इस बिजनेस में क्रॉस लाइन से कंपटीशन मत करिए। कंपटीशन तो करना पड़ेगा, कंपटीशन आपके पुछरी में आग लगाता है। और जब भी कंपटीशन लगिए अपने अपलाइन से कि मेरे अपलाइन के पास जो पिन है वो पिन मेरे सीने पर लगनी चाहिए। और इस ग्रोथ के लिए आपको मोर 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 न्यू ज्वाइनिंग चाहिए। न्यू ज्वाइनिंग हमारे टीम में भोजन देता है, नए व्यक्ति हमारे टीम में उत्साह लाता है, पुराने लोग उत्साह कम करता है। यदि आपके टीम में ज्वाइनिंग आ रही है तो आपका हैप्पी टीम है, और यदि आपके टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है तो आपके टीम बीमार है। नेटवर्क मार्केटिंग में उतना ही ज्वाइनिंग की जरूरत होती है जितना एक शरीर में नया खून की दरकार पड़ता है। यदि शरीर में नया खून बनना बंद हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे नई बीमारियां आने लगती हैं। आज बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर सब में बात करता हूं, बहुत सारे क्रॉस ग्रुप में काम करने जाता हूं, तो रॉयल्टी अचीवर अपने टेक्निकल से खपा है, टेक्निकल अचीवर अपने इमराल्ड से खपा है। ये खपा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं है, सिर्फ मैटर एक है, उस ज्वाइंट टीम में डेप्थ में ज्वाइनिंग नहीं जा रहा। यदि डेप्थ में हर महीना हर साथी जो रॉयल्टी लेवल के साथी हैं, टेक्निकल लेवल के साथी हैं, आप महीने की 20,000 ले रही हैं, आप महीने के 25,000 ले रही हैं, 50,000 ले रही हैं, आप एक टारगेट ले लेंगे कि हमारे दोनों ग्रुप का डेप्थ है और मैं अपने दम पे दोनों ग्रुप में 20,000 का बिजनेस खड़ा करूंगा, क्या मजाल है? आपका लाइफलाइन आपको भगवान मानेगा, डेली आपके आपके सामने अगरबत्ती दिखाएगा वो। यदि आपके टीम में ट्विनिंग गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे टीम में ज्वाइनिंग कम हो रहा है। तो मोर ज्वाइनिंग के लिए हमें छोटे छोटे लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए, वहां से नीचे से ज्वाइनिंग आना शुरू, इस प्रकार का ज्वाइनिंग बनाइए। और जो ज्वाइनिंग आ चुका है आपको उसको एक हेल्दी नेटवर्क में कन्वर्ट करिए। डायमंड क्लब, डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब हकलाने का, भकलाने का, तुतलाने का एक रास्ता है। क्योंकि जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया, इससे पहले बिजनेस मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, ने मेरे बाबूजी, ने मेरे दादाजी, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, कोई बिजनेस किया ही नहीं था। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। तो बेचने की कला को उजागर, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको सेल्समैन बनना है ना। आज मेरे घर में तो 3 डायमंड क्लब होता है, प्रोडक्ट खर्चा खा जाता हूं मैं, बेचने की जरूरत नहीं है। आज कंजप्शन है मेरे घर में। क्यों कंजप्शन है? क्योंकि मेरे घर में 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी है। कहां से आमदनी आई सर? इसी डायमंड क्लब से आया। तो अपने टीम में नेटवर्क में हर महीना एक लक्ष्य बनाइए कि हम 10 लोगों को इस महीना में डायमंड क्लब में कन्वर्ट करेंगे, 20 लोगों को डायमंड क्लब में कन्वर्ट करेंगे। डायमंड क्लब क्या होता है? ये देने की आदत है। खरीदने के हाथ नीचे होता है और देने का हाथ ऊपर होता है। खरीदने वाले भिखारी का साइन है और बेचने वाला का साइन सेठ जी का साइन है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम अभ्यास करें और डायमंड क्लब में हम आवे। डायमंड क्लब का मतलब होता है कि लगातार 12 महीना डायमंड क्लब करते हैं तो आपको कंपनी एक शानदार डायमंड क्लब के पिन से सम्मान करता है। 2 दिन आपको कंपनी में तीसरी स्तर के सानिध्य में आपको ट्रेनिंग मिलता है। 2 दिन वहां रहने का, खाने का, गाला डिनर मिलता है और बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन होता है। टीसी सर के साथ आपका फोटो तैयार होता है। लेकिन डायमंड क्लब का मतलब होता है पहला महीना कभी भी करें, 1 से लेकर 30 तक करें, लेकिन दूसरा महीना में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हमारा डायमंड क्लब होना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ी ईमानदारी बरतनी है, क्योंकि मैंने देखा है 2-3 साल में कुछ मैंने देखा है कि बहुत सारे सीनियर साथी गलत करते हैं, बेईमानी करते हैं। बेईमान आदमी कभी भी सफल नहीं होता, ईमानदार आदमी सफल होता है। डायमंड क्लब करने का मतलब है, मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि डायमंड क्लब जब भी हम करें, हम पिकअप सेंटर पर जाके एक साथ में डायमंड क्लब की हम खरीदारी करें और खरीदारी करके उसका फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में शेयर करें। बहुत सारे साथी को मैं देखता हूं, मेरे ही टीम में देखता हूं, डिस्प्ले वॉल है उनके पास, 60,000-70,000 टीवी उनके पास स्टॉक किया हुआ है। हर महीना रात के 12 बजे में क्लोजिंग होती है, 2 घंटे के बाद साइट ओपन होती है। जब मैं सो के जगता हूं 1 तारीख को तो मैं देखता हूं मेरी बिजनेस 16 लाख 17 लाख पीवी हो गया। मैं बड़ा आश्चर्य में रहता हूं कि रात के 2 बजे रात में तो कौन सा दुकान खुला, 4 बजे सुबह में कौन दुकान खुल गया, 6 बजे दुकान कौन खुल गया।
इसका मतलब है कि आप डायमंड क्लब गलत तरीके से करते हैं, इस तरीके से नहीं। क्योंकि आप एक चीज समझो, आपकी नेटवर्क में जितने डाउनलाइन है ना, हर डाउनलाइन, मेरा डाउनलाइन है, आपका भी डाउनलाइन है, हम भी किसी का डाउनलाइन है, मेरे भी कोई अपलाइन है, डाउनलाइन जो होते हैं ना, ये कान का बहरा होता है, डाउनलाइन सिर्फ आंख से देखता है, आप जो करते हैं उसी का कॉपी डाउनलाइन करता है। आप बेईमानी करके कर रहे हैं तो आपका डाउनलाइन बेईमानी, तो आपके पास तजुर्बा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप महीने में 10,000 20,000 25,000 का माल सेल कर लेते हैं, 5,000 पीवी डाउन कर दी लगा दिए और 15,000 पीवी आप रखे हुए हैं, तो लास्ट में क्या होता है, आपके टीम डाउनलाइन यही चीज को कॉपी कर लेते। तो इसको थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़े, और इस पैसे की बरसात के लिए आपको बनना पड़ेगा, अपने आप को बेस्ट बनाइए, बढ़िया बेहतर बनाइए। और बेस्ट में 4 लेटर्स है, बी फॉर बिलीव, विश्वास करिए सबसे पहले भगवान के ऊपर। ईश्वर ने हमें आरसीएम दिया है, आपने आरसीएम के पास नहीं गए, आरसीएम आपके घर में चल के आया, गॉड पे भरोसा करिए, थैंक्स अदा करिए। दूसरा चीज अपने आप पे, दो टांग पे हम आए हैं, हम कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी काट के दुनिया से नहीं जाने वाले हैं, हम नाम बना के जाएंगे दुनिया से। बिलीव करिए अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करिए। अपलाइन मतलब होता है आप, मतलब ऊपर वाला ईश्वर है। आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, आपके अपलाइन लेडीज है, आपके अपलाइन गांव का है, आपका अपलाइन शहर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलाइन है यानी आपका दूत, घर में आपके भविष्य बनाने वाला दूत है वो, उन पे विश्वास करिए। अपना डाउनलाइन को अच्छा अच्छा बोलिए, आपका डाउनलाइन बहुत अच्छा है, सिस्टम सिस्टम पे विश्वास करिए, प्लान के ऊपर भरोसा करिए, ये प्लान सबसे शानदार सबसे जानदार प्लान है, प्रोडक्ट हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट इंडियन रेट पे हमें मिल रही है, प्रोडक्ट का डेमो देखिए, कंटेंट पढ़िए, अपनी कंपनी पे आपको जो भी टीम में आपके डिस्ट्रीब्यूटर 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले जिनकी उम्र हुई है, और आपके कोर या आपके राइजिंग कोर लीडर के माध्यम से जब भी भीलवाड़ा टूर होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भीलवाड़ा लेके जाइए, तो वहां पर आपके टीम में ज्यादा पॉजिटिविटी आएगा। और जैसे मेरे टीम से 19-20 मई को हम भीलवाड़ा अपनी टीम के साथ लगभग 2,000 साथियों के साथ हम जा रहे हैं, आप लोगों को भी आमंत्रण है, आप लोग भी जाना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा है ई, इसे एक्साइटमेंट, टीम में जोश लाइए, खुशियां लाइए। कैसे होगा, छोटे छोटे आप प्रोग्राम करेंगे टीम में जाके तो ये हो सकता है। एस का मतलब होता है स्किल एंड सेक्रीफाइस, सीखिए डेली का प्रोग्राम होता है, हाइजीन का डेली जूम पर कैंप होता है, डेली न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम होता है, गामा का प्रोग्राम होता है, एग्रीकल्चर गांव देहात में आपका बिजनेस है तो आप हर एक संजीवनी के ऊपर में आप लोगों को स्किल डेवलप करवाइए, ड्रे तो आपका बिजनेस बहुत बेहतर होगा। और थोड़ी सी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा छोटे बिजनेस में, सेक्रीफाइस। हमें आज भी याद है कि शुरू में जब हम लोग वाइटल लेवल पे थे तो ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग बिजनेस करने जाते थे, खाने को नहीं मिलता था, पैसा नहीं होता था पॉकेट में। मुझे वो दिन याद है कि जब मुझे पैसा नहीं होता था, टीम को बिल्ड करना होता था, तो कैसे भूखे रहेंगे, तो किसी ने बोला कि पान खाओगे ना तो पान खाने से भूख कम लगती है, किसी ने बोला पान में जर्दा डाल के खाओगे तो भूख और कम लगती है। जुनून सवार था, पागलपन दिमाग में आ चुका था आरसीएम को लेके, तो पान में मैं जर्दा डाल के खाना शुरू कर दिया, और ज्यादा करके जर्दा खाते थे, और जर्दा खा के जो पान को फेंकना होता था वो फेंकते नहीं तो नीचे लेके चले जाते। जब तक ये सेक्रीफाइस लाइफ में नहीं होगा, कहा जाता है जिस प्रेम कहानी में विलेन नहीं हो वो कोई प्रेम कहानी है। जब तक आपकी सफलता में कोई सेक्रीफाइस नहीं आ रहा है तो फिर आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, तो थोड़ी से सेक्रीफाइस करते रहिए और टारगेट बना के काम करिए, गोल बनाइए, टारगेट बनाइए कि 28 तारीख को हम कितना क्लोजिंग करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।